सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैंने जो है लिंग सिकुड़ने का, लिंग अंदर होने का और लिंग की साइज कैसे ग्रोथ किया जाए और लिंग का टेढ़ापन कैसे ठीक किया जाए, तो इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए। लेकिन उसके लिए जो है जो खासकर बनाया था मैंने, तो उसके ऊपर अच्छा खासा व्यूज है। बट क्या होता है कि कभी कभी वही नुस्खा किसी किसी को काम नहीं करता है। जैसे अगर किसी ने 10,000 लोगों ने उस नुस्खे को यूज किया और 10,000 में से क्या होता है, 5,000 लोगों को रिजल्ट आया, 5,000 लोगों को रिजल्ट नहीं आया, तो ये कभी कभी हो जाता है नुस्खे से। तो आज उसी के रिलेटेड मेरे पास एक और नुस्खा है जो मैं आप लोगों तक शेयर करूंगा और उस बीमारी के बारे में बताऊंगा। तो ये बीमारी जो है लिंग का अंदर सुगड़ जाना और लिंग के अंदर टेढ़ापन आ जाना, लिंग का पतलापन हो जाना, या यूं कह लीजिए कि कछुए की मुंडी की तरह अंदर हो जाना, तो ये जो प्रॉब्लम्स है हम उसी के बारे में आपको बताएंगे और उसी के रिलेटेड आपको नुस्खा बताएंगे। क्योंकि जो वीडियो है जो मैंने नुस्खा बताया है और किन किन कारणों से होता है, तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो जाता है या किन किन प्रॉब्लम से हो जाता है। और जो नुस्खा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। होता है क्या दोस्तों कि हर इंसान एक तरह नहीं होता है, सबका अपना अपना डीएनए अलग अलग होता है और सबकी एक्टिविटी, बॉडी की एक्टिविटी जो होती है अलग अलग होती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो नुस्खा आपको काम आया हो वही नुस्खा दूसरे को भी आ जाए। तो ये होता है मेन कारण, काम नुस्खे का काम करना या ना करना। तो उसी के ऊपर जो है मैं आपको दूसरा नुस्खा बता रहा हूँ कि उसको किस तरह से बनाना है, उसको किस तरह से यूज करना है। तो जिन लोगों का उस नुस्खे से रिजल्ट नहीं आया है, तो वो लोग इस नुस्खे को भी जरूर यूज करें, क्योंकि इससे रिजल्ट 100% उनको आ जाएगा। तो बात करते हैं नुस्खे के बारे में दोस्तों। तो इस तेल को बनाने के लिए आपको लहसुन लेना होगा 10 पीस, जो लहसुन आते हैं गांव में जो यूज किया जाता है खाने पीने में, तो उसके 10 कली, लहसुन के 10 कली यूज करना है। और आपको एक प्याज लेना है और प्याज को ग्लेंडर करके उसका रस निकालना है कम से कम 10 ग्राम तक, यानी 10 कली लेना है लहसुन की और 10 ग्राम आपको प्याज का रस निकालना है और 20 ग्राम आपको जैतून का तेल लेना है। बस आपको ये तीन चीज आपको अवेलेबल करना है और इन तीनों चीजों को 10 कली निकाल लेना है, प्याज का जो रस निकलेगा उसको निकालना है और जैतून का तेल 20 ग्राम लेना है। तो इन तीनों को किसी वाटी में डाल देना है, जैतून का तेल वाटी में डाल देना है और प्याज का जो 10 ग्राम रस है वो भी वाटी में डाल देना है और जो अपने लहसुन की 10 कली है वो भी उसी में डाल देना है और इसको पकाना है। अब इसको इतना पकाना है कि आपने जो लहसुन उसके अंदर डाला है वो एकदम जल जाए, काला हो जाए और कोयला हो जाए। जब ये काला और कोयला हो जाए तो इसको उतार के छान लो और छानने के बाद उसको सीसी सीसी में भर के रख लो। बस आपका तिला तैयार हो गया। अब ये तिला किन किन लोगों पे काम करेगा और कैसे कैसे काम करेगा, उसको किस तरह से यूज किया जाएगा वो आपको बताता हूँ। तो सिंपली इस तिले को आपको जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जिसे जिनका जो लिंग है वो अंदर की तरफ चला गया है और स्टेप जब खड़ा होता है तो 4-5 इंच का दिखता है और जब सिकुड़ता है तो एकदम अंदर चला जाता है, यहाँ तक कि उसको खींच कर बाहर निकालने पर भी थोड़ा मामला वो हो जाता है। ऐसे लोग जो बाहर जिनको खुले में शौच या पेशाब करने जाते हैं, तो उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि कोई देख ना ले। और ऐसे लोग हैं जो सेक्स के लिए जाते हैं और जब सामने वाला देखता है तो खुद को महसूस होता है कि यार ऐसा कैसे हो गया, सामने वाला भी खुद का बदला मजाक उड़ाता है। तो यानी ये प्रॉब्लम जो होता है, अक्सर बहुत से लोगों को तकलीफ होती है और बहुत से लोगों को मायूसी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इस प्रॉब्लम को लेकर के। तो इसी के लिए तिला है और इसको आसानी से आप बना सकते हो जिस तरह से मैंने बनाया। तो अब बात करते हैं इसको यूज किस तरह करना है। तो सिंपली इसके लिंग के अनुसार 4 या 5 बूंद जो आपको लिंग के ऊपर आता है वो लगा लो, उसको मतलब पलटी कर लो 2-3 बूंद और उसको हल्के हल्के हाथ से मालिश करो। ऊपर मालिश करना, ये साइड मालिश करना, ये साइड मालिश करना, आगे की सुपारी छोड़ देना है। जिनका मामला अंदर घुसा हुआ है तो वो हल्के हल्के हाथ से इसे बाहर की तरफ अपनी तरफ खींच कर मालिश करें और ये मालिश कम से कम 2 से 3 मिनट तक करना है। अगर 2 से 3 मिनट तक अगर आप मालिश करते हैं और अगर इस बीच आपके लिंग के अंदर तनाव आ जाता है तो आप वहीं पर मालिश करना छोड़ दीजिए, फिर आपको मालिश नहीं करना है। तेल लगा दिए, थोड़ा मालिश किया, लिंग में स्टेमिना आ गया, खड़ा हो गया, छोड़ दो। अब इस तेल को रोज शाम में यूज करना है, सुबह बिल्कुल नहीं यूज करना है। आपको सोने से पहले ये मालिश करना है और फिर सो जाना है। अब मालिश करने के बाद में आप कोई पतला कपड़ा यूज कीजिए, लुंगी यूज कीजिए या हल्के जो नाइट पैजामे आते हैं वो यूज कीजिए और अंडरवियर बिल्कुल ना पहने। लिंग को खुला छोड़ दें, उसको जब उसके अंदर अंगड़ाई है तो उतना स्पेस चाहिए कि वो आसानी से अंगड़ाई ले सके। तो ये थे मेन कारण और इसको इस तरह से यूज करना था। तो बहुत से भाई लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह की बीमारियों को लोगों को बताते नहीं और बहुत गलत हकीमों के पास पहुंच जाते हैं, गलत डॉक्टरों के पास पहुंच जाते हैं, जिनका बहुत ज्यादा पैसा खराब बर्बाद हो जाता है और रिजल्ट नहीं आता और उनको जिंदगी भर मायूसी रहती है। तो ऐसे लोग ये वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो को जरूर दोस्तों तक शेयर कीजिए आप लोग जो भी देख रहे हैं और जो भी इस बीमारी से मुतला है या जिसको ये प्रॉब्लम से और जो बहुत सारी दवाइयां मेडिसिन यूज करके थक चुके हैं, तो ये नुस्खा जरूर बना के यूज कीजिए। इस नुस्खे को आपको कम से कम 2 से 3 महीने यूज करना है, उससे ज्यादा यूज नहीं करना है। रिजल्ट आपको 5 से 10 खुराक में आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको 2 महीना तो कम से कम यूज करना ही पड़ेगा।
तो 2 महीना अगर आप यूज करेगा तो जो आपकी साइज ग्रोथ होगी, जो आपके अंदर तनाव आएगा, जो मोटा होगा और जो लंबा होगा, जो टेढ़ा सीधा हो जाएगा, तो ये जो प्रॉब्लम्स है, लिंग के जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल नुस्खा है और आप इसको आसानी से बना सकते हो। मैंने बहुत सारे वीडियो उसके बारे में बना रखा है, ये के भी वीडियो उसी के बारे में और उसके पिछले भी मैंने कई सारे वीडियो है मेरे। तो और रीजन इसके बारे में जानना है और कारण जानना है कि ये प्रॉब्लम कैसे होती है, तो पिछली वीडियो आप देख सकते हो वहां पे जा करके। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।